बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निबली और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रहा हूं। तो आज चांद रहा नौजिल हज सऊदी अरब में आज ईद हो चुकी है। कल हज था, आज अदा हो चुका है, आज ईद है। सऊदी अरब ईद मना रहे हैं, कुर्बानी हो गई। मैंने सुबह की खबरें नहीं मिलाई, थोड़ा सा मसरूफ था, इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बना सका। आज भी मसरूफ था, मैंने कहा आज व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी गर्मियों से वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, परसों बारिश हुई थी, अंधेरी भी आई, बारिश भी, बहुत अच्छा मौसम था। तो अभी अपने बकरों के पास जाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं बकरे का आज आखिरी दिन है। हाय मसाज मसूज करा ला है, तू सुना भाई। उठ उठ पेडू उठ। टोड मारने लगा, आ अभी खुला हो ना, इसने मुझे उठा के बाहर मारने, फिर देखिएगा। हाँ चल पेडू चल और चल। बेचारे काफ़ी देर, ज़्यादा देर हमारे पास रहे हैं, तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। आजा तो आज आखिरी दिन है इनका। हाँ जी सीधियाँ जनता दियाँ फ्लैटा। अभी वो गत्ता खा रहा है, भोखी पई है हर पास, इन्होंने पट्ठे आ पे है हजे, हूँ पट्ठे पा के गए थे, हूँ फिर जोड़ा ना की कहते उन्हें मूँह मारन दिया। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इधर कुर्बानी के बैल लेके आए हैं, काफ़ी ज़्यादा बकरे भी हैं इस बार ना। ज़्यादातर लोग लेकर आए हैं बकरे, क्योंकि बड़े जानवर थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं। तो बकरे जो है सभी वो आ जाते, 40-50 हज़ार का बकरा आ जाते, सब वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो अभी कल इधर ना एक बैड़ा लेके आए थे, तो दूसरे से तीसरे बाज़ार में वो पांडा हुआ, तो वो उतर गया था। अब मैं तो पापा जा रहे थे, उसने हमें भी मारने की कोशिश की, मगर हम चले गए थे। तो मैं जब खेलने गया था ना क्रिकेट शाम को, तो उस बाज़ार से मैं गुजरा, तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ना वो उतर गया था, पता नहीं डर गया था उसने, 3 लोगों को टुडे भी मारी हैं, टांगे भी मारता था, संभालने से जा रहा, तो उन्होंने उसकी टांगे वगैरह बांध के, तो अभी इसको खंभे के साथ बांधा है। तो अभी थोड़ा सा सुकून से बैठा था कल जो जब मैं देख के आया था, अभी मैं गया नहीं, देखूंगा माशाल्लाह। पापा मामा गए थे शहर परसों, तो ईद के कपड़े भी लिए हैं, तो आपको ईद के कपड़े भी दिखाऊंगा। अभी घर कोई नहीं है, घर जाके तो आपको ईद के कपड़े भी दिखाऊंगा। और साथ में अभी मैं बाहर चलता हूँ, बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, पूरे पंजाब में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, मगर फैसलाबाद में सिर्फ एक दफ़ा बारिश हुई है, उसके बाद कोई नाम निशानी है बारिश का। बारिश पता नहीं सारे को, पता नहीं कब तो धूप आई है, हवा चल रही है, मगर धूप की वजह से हवा भी जो सी है ना गर्म है, जिसकी वजह से गर्मी आपको पता है कि हो जाती है। अभी 36 डिग्री है, अल्लाह का शुक्र है, पहले हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड देखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रात को सोया नहीं था जाते जितनी गर्मी थी, हवा का पत्ता भी नहीं हिलता था जिस वजह से। तो अभी अल्लाह का शुक्र है का सुकून है, हर ईद पे जो है ना बारिश होती है। तो इसी कल ईद है का डे नंबर 1, तो आज का व्लॉग मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, कल का व्लॉग कल शाम को आएगा, ईद डे नंबर 1 जो है ना। अभी आज चांद रात को भेज लेके आएंगे, क्योंकि संभालने वाला कोई भी नहीं होता, जगह भी उतनी होती है, तो इस वजह से ना लोग ज़्यादातर ये चांद रात वाले दिन लेके आते हैं। हम खुद बैल लेके आते थे चांद रात वाले दिन में, पिछले साल लेके आए थे बैल था, एक बकरा था, बैल हम चांद रात वाले दिन ही लेके आए थे, क्योंकि संभालना भी मसलन के आपकी मसरूफियाँ ज़्यादा होती हैं, उसको इसमें संभालना है, एक दिन तो बंदा निकाल लेता है, एक दो दिन संभाल लेता है, उसकी कोई बात नहीं, मगर एक एक महीना लोग यहाँ से लेके आते हैं ना, वो फिर संभालने को मुश्किल होता है। लै नहाना तू रोज़, रोज़ नहाने लगे यही शक्ल होंगी है। अभी ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, ये पढ़ते पढ़ते जो है ना सोफे के गद्दे शद्दे सारे कुछ उतार के उनके कवर वगैरह धोए जा रहे हैं। ये पर्दा धूप के लग भी गया है, वो सामने दरवाजे का भी पर्दा रहता है, वो धूप रहा है, और इस कमरे का चेक करें, हाँ कैसा है, क्या बात है, हाय 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 हाय, सफाई होती सफाइयाँ ईद के करीब जा कर ऐसी होता है, हर घर में होता है, एक घर में नहीं। तो ये मंजी हमने बनवाई थी, ये देखें, ये काफ़ी स्पेशल मंजी बनवाई थी, ये आम मंजी से थोड़ी सी बड़ी भी है, और इसको पाइप भी जो सा बारा लगवाया है, अभी इसको उनवाना है, उसके लिए मान लेके आएंगे। अभी ये पुदीना और साथ में मिर्ची धनिया लेके आए, चटनी बनानी है, और धुप्पे मारता मैनू फट के, जिनी धुप्पा बाहर भेजता मैनू,
धूप चेक करें आप, गर्मी बहुत ज़्यादा, हवा हल्की हल्की चल रही है, मगर हवा जो सी ठंडी होनी चाहिए, गर्म है धूप की वजह से। माशाल्लाह वो भाई गाड़ा लेके आ रहे हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा है। कितना लाया भाई? 170। सोना माशाल्लाह, देसी गाड़ा है माशाल्लाह, जो से दौड़ में नहीं लगाते लोग कंपटीशन के लिए, वो वाला। The next day. तो अभी नमाज पढ़ के आए, कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अभी हम लेले के पास जा रहे हैं, जाचु लेला ले हैं। चल ना तका ला तका तका लाम नहीं पिछो। चल भाई एक एक करके लेके आना। आहो चल भाई, ओ जा ही नहीं रहा देखे तका ला यार। भाई रीत पे बच्चियां ग्राउंड के लगी हुई हैं, देख रहे वो मेरे पप्पो के बेटा खड़ा हुआ है ये स्लैश वाले के पास। ठीक है नया से अभी ये मैं घर से पथरी लेने आया था, छुरियाँ तीखी करनी है। पहले एक बकरे की कुर्बानी करेंगे फिर दूसरे की। क्या कह रही हो? नहा तो लेना था, कपड़े नहीं डालने आज, आज ईद है, कपड़े नहीं डालने हैं। A few moments later. थोड़ी जी खल रह गई, इसके बाद दूसरे बकरे की बारी है। तो अभी दूसरा ले हैं लीला, दूसरे बकरे का पेट चाक कर दिया और साथ इसकी हिला दी कलेजी और वो उसकी पड़ी हुई है ओजरी वगैरह सारा ना उतार के, ये गोश्त इधर पड़ा है, ये तकरीबन 25 किलो बना है बकरा। A few moments later. तो अभी दोनों बकरा का गोश्त कर रहे हैं, धोना भाई, ये दूसरा बकरा है, पहले बकरे का गोश्त कर रही हैं। पहला बकरा 25 किलो निकला था और ये वाला 28 किलो है इसका वजन। माशाल्लाह बकरे हमारे दोनों ही हो गए हैं और हमारे कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने कपड़े दूसरे पहने हुए थे और अभी काम करके, तो फिर हम चलते हैं बाहर, आपको गोश्त दिखाते हैं, गोश्त के साथ साथ आपको दिखाते हैं कि हमने कितनी देर में दो बकरे किए हैं। तकरीबन इतनी ज़्यादा देर नहीं लगी, मेरे पप्पो के घर से भी आए थे, मेरे आए थे, उनके भाई भी आए थे, तो उन्होंने गोश्त करवा दिया था। मैं आपको टाइम देख के बताता हूँ, तकरीबन हम 7:30 बजे शुरू हुए थे दो बकरों के साथ, तो अभी 11 बज रहे हैं, तकरीबन हमने 3.5 घंटे में दोनों बकरे कर लिए हैं ए टू जी। तो अभी पापा ना उसके वगैरह ये पड़ी हुई है, तो खजोड़े वगैरह ये पड़े हैं दोनों बकरों के, माशाल्लाह ये गोश्त हमने कर लिया सारा। तो अभी शॉपर ले के आएंगे गोश्त शॉपर में डाल के, तो फिर तकसीम कर दें, अभी शॉपर ले के आएंगे शॉपर में गोश्त डाल के, फिर जिन जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी तो उनके घर जा कर तकसीम कर देते कर देंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल में लाल भैया, साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, 3.5 घंटे बैठ के गोश्त ही करते रहे हैं, तो इस वजह से ना ये मेरे कल रात ना इधर ये मेरे बाजू ये जो सा बाजू है ना इधर दर्द हो रही थी, मैं एक साइड पे जा लेटा सो गया, तो सुबह जाकर उठा था इधर से दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं ना रात को नींबू पानी पी के सो गया था, तो उस वजह से तो मेरे पेट में भी वो दर्द होने शुरू हो गई सुबह जब मैं उठा, तो साथ में मम्मा ने कावा बना कर लिया, तो मेरी जो सी दर्द ख़त्म हो गई थी। तो अल्लाह हाफिज़।